कविता कम है, बातचीत ज्यादा है। घटना छोटी थी लेकिन आपदा बड़ी थी, ये समझिए कि शनि की 7:30 हमारे सिर पर चढ़ी थी। सवेरे सवेरे बीच बाजार में गच्चा दे गया और एक झपटमार मेरा मोबाइल छीन कर ले गया। शाम को वही झपटमार मुझे पार्क में दिखा, मैंने कहा इसके पास जाऊंगा और अपना मोबाइल वापस लाऊंगा। झपटमार मुझे देखकर मुस्कुराया और एक उंगली का एक इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं गया तो न वो डरा न वो घबराया, बल्कि और ज्यादा मुस्कुराया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक लंबा ठहाका लगाया और कहा, अबे बुड्ढे तेरा दिल बहुत फलांगता है, रात के 3-3 बजे तक जागता है, तूने जितनी महिलाओं को चैट और व्हाट्सएप किए हैं मैंने सब पढ़ लिए हैं। अच्छा बता ये रजनी आंटी कौन? रजनी का नाम सुनते ही हमारे जोड़े खड़े रहे मौन। कैसे कैसे चुटकुले और ऐप, बड़ी घटिया फिल्मों से भरा पड़ा है तेरा व्हाट्सएप, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा और तेरा मोबाइल तेरी बीबी और बच्चों को दिखाऊंगा। मित्रों मैं चोर को नापने गया था, चोर मुझे नाप रहा था, चोर निर्भीक और मैं भय से कांप रहा था। तभी चोर ने पैंतरा बदला और कहा, तूने मुझे देख लिया तो क्या मैं खाली पीली हाथ मलूंगा, मेरा बैग उठा मैं अभी तेरे घर चलूंगा। मेरा ही मोबाइल मुझे खल रहा था, मैं चोर जी का बैग उठाए भरे हुए कदमों से अपने घर की ओर चल रहा था। तभी दिमाग में आइडिया आया, रास्ते में पड़ेगा पुलिस थाना, थानेदार से है मेरा याराना, आखिर वही मेरे काम आएगा, बचपन का थानेदार दोस्त मुझे इस मुसीबत से बचाएगा। पुलिस थाना आते ही मैंने चोर से कहा, सर जी अंदर चल सकते हैं जरा काम से? चोर मुस्कुराते हुए बोला, आराम से आराम से। ज्यों ही अहाते में प्रवेश किया, थानेदार जी कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे, अपने कल्पित वीरता के किस्से पुलिस वालों पर फेंक रहे थे। लेकिन मैं किस्मत का अभागा, ज्यों ही चोर को देखा और थानेदार कुर्सी छोड़कर भागा। थानेदार आगे आगे, चोर पीछे पीछे, हम खड़े थे भयभीत आंखें नीचे। वापस आकर चोर ने कहा कि थानेदार तुझे बचाएगा, तुझको इससे बड़ी आस है तो सुन, इसका मोबाइल भी मेरे पास है। मित्रों तभी एक सिपाही कुर्सी ले आया, चोर को इज्जत के साथ बैठाया, सर जी आप ठंडा लेंगे या गरम? चोर की थाने में इज्जत देख मैं ठगा का ठगा था और पूरा थाना चोर की सेवा में लगा था। मुझे देखकर बेहाल चोर ने धीरे से कहा, देखा तूने मोबाइल का कमाल। मैं खड़ा था निरुपाय और असहाय, मेरी दुर्दशा पर तरस खाकर चोर ने कहा, अब तू घर जा, आज मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा लेकिन किसी दिन जरूर आऊंगा। और मित्रों दो दिन के बाद जब मैं घर आया तो चोर को सोफे पे पसरा हुआ पाया। मुझे देखते ही बोला, मनोज बहुत दिन बाद मिले हो। इतना कहकर हाथ मिलाया, गले से लगाया और पत्नी से बोला, भाभी जी मैंने और मनोज ने कॉलेज में अच्छे दिन बिताए हैं, एक दूसरे के बहुत काम आए हैं। एक बार कॉलेज की फीस देने मनोज के पास पैसे नहीं थे, तब मैंने इसे 5,000 रुपए दिए थे। चोर की उदारता से मेरे बेटा और बेटी मुस्कुराए। मैंने अलमारी खोली, 5,000 निकाले और चोर को थमाए। मित्रों हम तो अपनी पीड़ा को शब्द दे रहे हैं, आप हैं कि मजा ले रहे हैं। अगर आपको मुझसे सच्ची सहानुभूति है तो ऐसा कीजिए, अपना अपना मोबाइल एक दिन के लिए अपनी पत्नी को देखने दे दीजिए। क्या बात है मामा, वाह। आत्मा हिल जाएगी
और दाम्पत्य जीवन की सुखद हवेली 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। अब देखिए, ये इतना बड़ा पंडाल कटनी टेंट वाले हर साल लगा लेते हैं, लेकिन एक भी पैसा नहीं मांगते हैं। भाई कुमार विश्वास, हमने जब भी चाहा अब इनको बुलाएंगे, ये हर बार कटनी आएंगे। इसका कारण खास है कि इन दोनों का मोबाइल मेरे पास है, इनका मोबाइल मेरे पास। मामा जिंदाबाद।